नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां सियासी उठापटक तेज हो चुकी है। शिवसेना के चार और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बता दें कि अब बागी विधायकों की संख्या 35 से ज्यादा हो चुकी है। उद्धव ने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। 11:30 बजे के आसपास पार्टी नेताओं के साथ उद्धव चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि कल देर रात उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस छोड़ दिया था, जिसके बाद वे मातोश्री पहुंचे और यहीं से अब मोर्चा संभाल रहे हैं। लगातार दिग्गज नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है। शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद शरद पवार ने उन्हें एक सलाह दी थी कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस बीच अब आपको बता दें कि उद्धव ने सरेंडर कर दिया, लेकिन शिंदे का कहीं ना कहीं संघर्ष जारी है। देखना होगा कि एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि मैं असली शिवसेना हूं और मेरे पास 35 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तो अब सवाल और भी ज्यादा गहराता जा रहा है कि आवास छोड़ने के बाद क्या उद्धव अब कुर्सी भी छोड़ देंगे। महाराष्ट्र संकट पर अपडेट आपको बता रहे हैं। शिवसेना के चार और विधायक गुवाहाटी कल देर रात पहुंचे हैं। मीर भयंदर में शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। वहीं शिंदे को हिंदुत्व का नया चेहरा बताया जा रहा है और शिंदे ने खुद कहा कि मैं असली शिवसेना हूं, मेरे पास 55 में से 35 से ज्यादा विधायक है। शिवसेना हाथ से निकली तो उद्धव ने सीएम हाउस छोड़ दिया। अब मातोश्री से उद्धव संभाल रहे हैं मोर्चा और बताया जा रहा है कि उद्धव ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो बता दें कि आज बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। साथ ही जब शरद पवार ने शिंदे को सीएम बनाने की सलाह उद्धव को दी और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब उद्धव जो है सीएम हाउस छोड़ चुके हैं, मातोश्री में मौजूद हैं और आपात बैठक बुलाई है। तो संघर्ष से शिखर तक शिंदे के जीवन काल पर नजर डाले तो 1970 के दशक में सतारा से ठाणे आए थे। 1980 के दशक में बियर फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद 1980 के दशक में ऑटो भी चलाया और 1980 के दशक में शिवसेना का भी हाथ थामा। 1997 में ठाणे के नगर निगम पार्षद बने और उसके बाद 2001 में नगर निगम सदन में नेता विपक्ष का उन्होंने पद संभाला। 2004 में पहली बार विधायक चुने गए और 2005 में ठाकरे परिवार के करीबी बन गए। बता दें कि 2014 से 2019 तक शिंदे ने महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री का पदभार संभाला था। 2019 में महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री चुने गए और 2022 में उद्धव ठाकरे को चुनौती देने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि संघर्ष से शिखर तक किस तरह से शिंदे का कार्यकाल रहा। 1980 के दशक में पहली बार शिवसेना में वे शामिल हुए और अब आप देखिए बगावत करने के बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हुए। तो आपको बता दें लगातार महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है और खबरें ये भी हैं कि आवास छोड़ने के बाद क्या अब उद्धव कुर्सी भी छोड़ देंगे, क्योंकि खुद शरद पवार ने उन्हें यह सलाह दी है। जिस तरह से शिंदे और 35 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं, ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार पर संकट गहरा रहा है। टोटल 288 सीटें हैं, जिसमें एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44, बीजेपी के पास 106 सीटें हैं। उद्धव के साथ 169 विधायक हैं, जिसमें एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, निर्दलीय 16 बताए जा रहे हैं। भाजपा के साथ 113 विधायक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खुद 106 और निर्दलीय मिलाकर कुल 113 हो रहे हैं। 7 निर्दलीय भी इसमें शामिल हैं।